नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाते हैं। जेनेटिक्स के जनक के रूप में मेंडल को जाना जाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि मेंडल को अनुवांशिकी के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है? साथ ही उन्होंने ऐसे कौन से प्रयोग किए और उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया और उस पौधे में ऐसा क्या खास था कि उन्होंने उस पौधे का चुनाव किया? मेंडल को सफलता क्यों मिली, क्या कारण थे? ऐसे बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, अगर हम मेंडल की जब बात करते हैं तो मेंडल का जो जन्म है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के, ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रिया के मोराविया नामक स्थान में एक छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था। एजुकेशन, चूंकि इनका जन्म कृषक परिवार में हुआ था, इस कारण से इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अथवा पढ़ाई लिखाई की समस्या इनके पास बनी हुई थी और इस समस्या का समाधान करने के लिए, एजुकेशन के लिए इन्होंने अगस्तियन मोनेस्ट्री या मठ से ये जुड़ गए। मोनेस्ट्री से तात्पर्य है मठ या चर्च से जुड़ गए और अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहां से उन्होंने प्राप्त की। इसके पश्चात जब इनका प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो गया तब ये वियना विश्वविद्यालय में लगभग 2 सालों तक इन्होंने अध्ययन किया और इसके पश्चात ब्रून नामक शहर में, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो ब्रून नामक शहर की ही एक मोनेस्ट्री में ये पादरी का कार्य करने लगे, यहाँ चर्च में पादरी का कार्य करने लगे। दोस्तों, धार्मिक कार्यों के अलावा ग्रेगर जॉन मेंडल की जो रुचि थी वो बागवानी में थी और इसका फायदा उन्हें मिला। उन्होंने जहां पर ये पादरी थे, जहां रहते थे, वहां पर इनका एक छोटा सा बगीचा था और बगीचा में उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे और इन्हीं पौधों में उन्होंने मटर के पौधे भी लगाए हुए थे। तो यहां पर उन्होंने क्या काम किया कि मटर के पौधों पर, ध्यान दीजिएगा किस पर, मटर के पौधों पर लगातार 15 वर्षों तक लगभग 10,000 से ज्यादा प्रयोग किए और अपने प्रयोगों को सन 1865 में ब्रून में ही पाए जाने, ब्रून में स्थित नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रस्तुत किया, जहां पर इनका प्रकाशन सन 1866 में हुआ। लेकिन उनके प्रकाशन के बावजूद मेंडल के प्रयोगों को उनके समकालीन वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान नहीं की, अधिक महत्व नहीं दिया। सन 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई और जीवित रहते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयोगों का उन्हें श्रेय नहीं मिला। उनकी मृत्यु के, या ये कह सकते हैं कि उनके प्रयोगों के प्रकाशन के लगभग 34 वर्षों के पश्चात सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीस, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के इरिक सर्मैक ने स्वतंत्र रूप से कार्य करके वही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल के द्वारा निष्कर्ष निकाले गए थे और तब कहीं जाकर उनके कार्यों को मान्यता मिली। और उनके कार्यों को मान्यता देने के लिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। सन 1905 में बैटसन और पुनेट ने, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सन 1905 में बैटसन और पुनेट ने बताया कि मेंडल के नियम लैंगिक रूप से जनन करने वाले पादपों और जंतुओं में समान रूप से लागू होते हैं। ये जानते हैं कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव करने के पीछे क्या कारण थे। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेंडल का पौधा जो होता है वो एक वर्षीय पौधा होता है और एक वर्षीय पौधा होने के कारण इसका जीवन काल छोटा होता है
और एक ही वर्ष में कई बार इसकी पीढ़ियों का अध्ययन आसानी के साथ किया जा सकता है। दूसरा कारण देखें तो मटर का पौधा द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी होने के बहुत कारण इसमें स्व परागण की क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं होमोजाइगस कंडीशन वाले होते हैं, समयुग्मी होते हैं तथा गुणों की शुद्धता को ये बनाए रखते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये पौधा कैसा है, द्विलिंगी है, लेकिन ई मैस्कुलेशन के द्वारा विपुंशन की क्रिया के द्वारा इसे एक लिंगी पौधे में परिवर्तित किया जा सकता है तथा संकरण हेतु परागण आसानी के साथ कराया जा सकता है। साथ ही संकरण से प्राप्त होने वाली जो संतति है वो जनन क्षम्य होती है, अर्थात वो जनन कर सकती है। एक और कारण की तरफ हम जाएं तो मटर के पौधों में कई विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यायी लक्षणों से तात्पर्य है एक दूसरे के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। जैसे एक लंबा पौधा है तो वहीं उसी के अपोजिट बौना पौधा। एक और बात देखें कि F1 पीढ़ी को आसानी के साथ उगाया जा सकता है, तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव किया गया था। अगर हम विपर्यायी लक्षणों की बात करें तो मेंडल के द्वारा 7 विपर्यायी लक्षणों का चयन किया गया था और ये लक्षण कौन कौन से थे उन लक्षणों को देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बीज का आकार, बीज जो चुने थे उन्होंने प्रभावी लक्षण वाले गोल चिकने बीज थे जबकि अप्रभावी लक्षण वाले झुर्रीदार थे। वहीं पर बीज पत्र का रंग जो था वो पीला और हरे रंग के बीज पत्र का चुनाव किया था जिनमें से पीला प्रभावी लक्षण था। वहीं पर पुष्प के रंग की बात करें तो पुष्प का रंग जो है वो लाल और सफेद रंग का चुनाव उनके द्वारा किया गया था। वहीं पर फली की आकृति की बात करें तो चिकनी और संकीर्णित फली रफ फली का उनके द्वारा चुनाव किया गया था जिनमें से चिकनी फली जो है वो प्रभावी लक्षण को बता रही थी। वहीं फली के रंग का अगर हम बात करें हरे और पीले रंग की फली का चुनाव उनके द्वारा किया गया था जिनमें से हरा प्रभावी कलर था। पुष्प की स्थिति की बात करें तो ये कक्षस्थ और अग्रस्थ प्रकार की पुष्प की स्थिति थी जिनमें से कक्षस्थ जो है प्रभावी लक्षण को बताता है। वहीं पर पौधे की लंबाई की बात करें तो लंबे और बौने पौधे का चयन उनके द्वारा किया गया था जिनमें से लंबा पौधा प्रभावी लक्षण था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 3 प्रमुख कैरेक्टर्स पर उन्होंने ध्यान दिया था। सबसे पहले बीज, फली और प्लांट। कि मेंडल के प्रयोग और उनके सफलता के क्या कारण हैं? दोस्तों हम जानते हैं कि मेंडल ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने प्रयोग किया। इसके पूर्व में गॉस, नाइट, कार्ल ड्यूटर आदि वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किया लेकिन उनके जो प्रयोग हैं वो सफल नहीं हो पाए। मेंडल ने अपने जो प्रयोग किया उसकी अगर हम बात करें तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। उन्होंने 7 विपर्यायी लक्षणों का चुनाव किया और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 7 विपर्यायी लक्षण 4 गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। मेंडल की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने पहले केवल एक लक्षण की वंशानुगतिकी का अध्ययन किया। जब यह अध्ययन पूर्ण हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने 2 लक्षणों फिर 3 लक्षणों की वंशानुगतिकी का अध्ययन किया। जब उन्होंने एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन किया तब इस प्रकार के क्रॉस को उन्होंने एक संकर क्रॉस का नाम दिया। जब 2 जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया तो उसे हमने द्विसंकर क्रॉस कहा। वहीं पर 3 विपर्यायी लक्षणों को आधार बनाकर पौधों के बीच संकरण कराया गया तो उसे त्रिसंकर क्रॉस कहा गया। अब देखते हैं कि मेंडल की सफलता के पीछे क्या कारण है। मेंडल की सफलता के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मटर के पौधा का जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है, इस कारण से एक वर्ष में अनेक पीढ़ियों को उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन उनके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं, तो उनको देखें कि मेंडल ने विशुद्ध रूप से अभिजननीय किस्मों का प्रयोग अपने प्रयोग में किया, अर्थात प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज का उपयोग अपने प्रयोग के लिए उन्होंने किया। दूसरी बात, अवांछित परागकणों से होने वाले परागण की क्रिया को उन्होंने रोका ताकि संतति में शुद्ध युग्मकों के गुण ही जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मेंडल को गणित का ज्ञान था और गणित का ज्ञान होने के कारण मेंडल ने सांख्यिकी का उपयोग करते हुए प्रयोगों के समस्त परिणामों का विश्लेषण किया तथा उन्हें सावधानी पूर्वक
रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा। इसके अलावा और एक कारण देखें तो मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशानुगतिकी का अध्ययन किया और फिर दो लक्षण फिर तीन लक्षण इस प्रकार से उन्होंने वंशानुगतिकी का अध्ययन किया। एक महत्वपूर्ण बात अगर आप ध्यान देखें कि मेंडल द्वारा चुने गए सातों लक्षणों में एक प्रभावी तथा एक प्रभावी अप्रभावी लक्षण था, कोई भी बीच का लक्षण नहीं था, कोई भी मध्यस्थ लक्षण नहीं था। एक और सफलता का कारण देखें कि सातों लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। ये इसे कहना चाहिए मेंडल को इस मामले में भाग्यशाली कहना चाहिए कि सातों लक्षण जो है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। दोस्तों अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि मेंडलिज्म के अज्ञात रहने के पीछे क्या कारण है, या ये कह सकते हैं कि मेंडल को अपने जीवन काल में अपने द्वारा किए गए प्रयोगों का श्रेय क्यों नहीं मिला। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों की अगर बात करें तो हम कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि मेंडल द्वारा आनुवंशिकी से संबंधित दिए गए निष्कर्ष या सिद्धांत अपने समय के पहले सिद्धांत थे, या ये कह सकते हैं कि जो सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए थे वो बहुत आगे के थे और उस समय तक इन सिद्धांतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण से भी उन्हें इसका श्रेय उस समय नहीं मिल पाया। दूसरा कारण देखें, मेंडल के द्वारा अपने निष्कर्षों से संबंधित लेख सीमित प्रसार वाली पत्रिका में छपवाया गया था। 1866 में जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की पत्रिका के द्वारा उनके लेख का प्रकाशन किया गया था, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात करें कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को गणितीय या सांख्यिकी भाषा में प्रस्तुत किया और जीव विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए गणितीय भाषा में प्रस्तुत किया गया लेख समझ से परे था। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेंडलिज्म के अज्ञात रहने का है उस पर चर्चा करें तो जब मेंडल के द्वारा नियम का प्रकाशन कराया गया था तब विकासवाद का सिद्धांत अर्थात ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की चर्चा जोरों पर थी। डार्विन और लेमार्क के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है उनकी चर्चा जोरों पर थी। इस कारण से लोगों का ध्यान जो है मेंडल के नियमों की ओर नहीं गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो मेंडल किसी विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, वो एक छोटे से चर्च के पादरी थे, एक छोटे से शिक्षक थे। इस कारण से भी उनके लेख पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग, उनकी सफलता के पीछे क्या कारण थे, मटर के पौधे के चयन का क्या कारण था, बहुत से ऐसे कारणों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा।